साथियों, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्यमी योजना का लास्ट डेट 31 दिसंबर है, जिसमें अभी बहुत साइट पर लोड चल रहा है। 502 बेड गेटवे का ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों, एक टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, उस टाइम टेबल पर आपको ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दें, 502 बेड गेटवे जब ऑप्शन आपका आ रहा है, तो थोड़ा पेज को रिफ्रेश करते रहना है। आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका बिहार का जो भी साइट होते हैं, तो थोड़ा वैसे ही काम चलाऊ होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि OTPP में भी अगर आपका प्रॉब्लम होगा, तो आपको धीरे धीरे आपका जाएगा, क्योंकि आपका पेशेंस से काम करना है, धीरे से काम करना है। और मैं यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो कि कोई भी टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगा, फिर भी आपका काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक थोड़ा रिफ्रेश करते 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 आपका काम होगा। क्योंकि मैंने रत्ते जो है 1 से 2 बजे के करीब में मैंने काम किया, तो एक आदमी का काम हुआ, उसका सारा काम हो गया था, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था। तो फिर से मैं रिफ्रेश करते 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 है ना, थोड़ा किया ना, तो उसका अपलोड ले लिया फाइनली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसका टाइम टेबल जो मैं इस वीडियो में बताया है, हो सकता है काम कर जाए या तो नहीं काम करे। तो यही आपको करना है कि थोड़ा पेशेंस से रिफ्रेश करते रहना है, उसको हार नहीं मानना है, समझे। और जो ही आपका वहाँ पर बहुत सारा लोग अप्लाई कर रहा है, तो थोड़ा तो सर्वर डाउन हो करेगा, प्रेशर ज़्यादा ना हो गया जी। लास्ट टाइम है, तो मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम आपको नहीं काम करना है। और जो भी होगा तो सभी को ले लीजिएगा OTP, अगर चाहे तो आप नाइट में काम कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी अभी नहीं खुल रहा है, तो यही करना है कि थोड़ा रिफ्रेश करते रहना है, समझे। जना को जो नया अप्लाई होने वाला है, वो 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ऐसे में आपको जो लोग इच्छुक है, जितना जल्द हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि साइट जो है ना बिजी हो रहा है। कभी कभी OTP प्रॉब्लम होगा, तो कभी आपका लॉगिन ही नहीं हो पाएगा, बेड 502 का ऑप्शन आएगा, तो ऐसे करके आपका आएगा। तो मैं ये एक आपको टाइम टेबल बता देता हूँ, उस टाइम टेबल पर आपका सर्वर काम करेगा। जैसे कि आप ध्यान देते हुएगा कि ज़्यादातर 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में OTP से समस्या आएगा, बेड 502 बेड इंटरनल मैटर का यहाँ पर बात आएगा। तो ऐसा कुछ लिखेगा तो साइट बिजी रहता है। तो वही जो दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 2:30 बजे से 4 बजे के करीब में उस टाइम रहता है। फिर आप रात्रि देखेंगे तो रात्रि 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक ले आपका साइट बिजी रहेगा। तो मेरा कहना है कि आज आपको क्या करना है कि OTP अभी जो वीडियो आपका अपलोड हुआ है, बस अभी जो 6 बजे से लेकर के और 1 बजे तक दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम आपका अच्छा खासा नेट काम करेगा, नेट तो आपका रहेगा, सर्वर जो है सर प्रॉब्लम रहता है। तो आपका सुबह में मॉर्निंग में आपका अच्छा खासा काम करेगा। फिर आप नाइट की मैं बात करूं, तो अभी आपका 30 तारीख है, तो 30 तारीख के मैं बता देता हूं कि कब कब काम करेगा। जैसे कि 6 बजे मॉर्निंग हो गया, 6 बजे मॉर्निंग से लेकर के आपका 12 बजे दिन तक ले आप मान लीजिए अच्छा खासा काम करेगा। फिर आप उधर चले जाइए 1 बजे से लेकर के आप 1 बजे से शाम 4 बजे तक, 3-4 बजे तक लेकर बिजी रहेगा, है ना, दुख दक करके आपका कभी OTP आएगा कभी नहीं आएगा। फिर आपका OTP की मैं बात करूँ तो शाम में जो है ना आपका 5 बजे से शाम में 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक ले आएगा, चाहे नहीं आएगा। और 10 बजे तो रात में तो साफे नहीं आएगा, समझे। जब आएगा तो आपका फिर रात में 2 बजे रात में, तो 2:30 बजे रात में अगर मान लेते हैं कि कोई जगह वाला है, तो OTP वाला काम कर लीजिए। भोरे जो है मॉर्निंग में अपना अपलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट सब, लेकिन OTP वाला काम कर लीजिएगा। तो ऐसे करके कुछ आप काम कर सकते हैं, हालांकि अभी सर्वर बहुत बिजी है, समझे। अगर आप में भी क्या लिख रहा है सर्वर बिजी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनली हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैं उनको लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट और पेमेंट हमको दे दीजिएगा, तो किसी भी टाइम मैं आपका फुर्सत से मैं आपका काम कर दूँगा। इतना मैं डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आपका काम करके दूँगा। अगर हो सकता है कि साइट प्रॉब्लम के कारण अगर आपका काम नहीं होता है तो आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन सर पेमेंट आप मेरे पास रहेगा तो मैं आपका चिंता से आपका मैं काम कर। और मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पर आपको व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना है, ग्रुप में कांटेक्ट नहीं करना है। व्हाट्सएप जो पर्सनल नंबर मैंने दिया है उस पर कॉल भी नहीं करना है, आपको ओनली फॉर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कितना फी लगेगा, वो फी आप जमा कर देंगे तो मैं आपका फॉर्म भर दूँगा। ओके, अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे, हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फ़ोनपे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।